राम राम किसान भाइयों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में। तो कौन कौन सी किस्में आप उगा सकते हैं उन्हीं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो सरसों की सबसे बेहतरीन वेराइटीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NRC DR2 नाम की एक वेराइटी है। ये दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के में उगाई जा सकती हैं। 2006 में ये रिलीज की गई थी। ये समय पर बोई जाने वाली वेराइटी हैं। अगर इसमें यील्ड की बात करें यानी कि उपज की, तो 9 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती हैं। अगर तेल की मात्रा की बात करें तो 36 से 42% तेल की मात्रा होती हैं। जो अवधि काल है इसका वो 131 से 156 डेज का है। टॉलरेंट की बात करें तो सहनशीलता इसकी सेलिनिटी से हैं, हाई टेम्परेचर से हैं, वाइट रस्ट से हैं, स्टेम रोट से हैं, पाउडर मिल्ड्यू से हैं, एफिड से हैं। तो ये बहुत अच्छी वेराइटी है। 2002 में निकाली गई RH 9304 यानी कि वसुंधरा की बात करें तो ये UP MP राजस्थान उत्तराखंड में उगाई जा सकती हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसका 130 से 135 दिन का होता है और ऑयल कंटेंट इसमें 40% है। उपज की बात करें तो 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। ये हाई टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी है। तीसरी वेराइटी की बात करें तो लक्ष्मी है, RH 8812। ये उत्तरी राज्यों में उगाई जा सकती है। 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उपज है। 142 दिन इसका मैच्योरिटी पीरियड है। 40% इसमें ऑयल की मात्रा होती है। 2002 में निकाली गई RB 9901 यानी कि गीता की बात करें तो ये राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में उगाई जा सकती हैं। 8 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी उपज होती है। 140 से 147 इसका अवधि काल होता है। तेल की मात्रा की बात करें तो 40% इसमें तेल की मात्रा होती है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस वेराइटी है, जो एक प्राइवेट यानी कि निजी कंपनी के द्वारा निकाली गई है। ये कंपनी का नाम है DuPont Pioneer। वेराइटी का नाम है 45S46 V45S46। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध वेराइटी है, बहुत अच्छी इसमें यील्ड आती हैं। ये जो कई रोग डिजीजेज हैं उसके प्रति रेजिस्टेंट होती हैं और इसको राजस्थान, इसके पड़ोसी राज्यों में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाली गई है, इसलिए इस पर जो थोड़ा जो बीज का जो रेट होता है वो हाई होता है, तो किसान को वही एक नुकसान इसमें है। बाकी बहुत अच्छी वेराइटी है ये। अब अन्य वेराइटियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि NRC DR होती हैं, ये कई रोगों से प्रतिरोधक इसकी क्षमता है। 2006 में निकाली गई थी। NRC HB 506 हैं, हाईब्रिड है ये, इसमें हाई ऑयल कंटेंट होता है। 2008 में निकाली गई थी। NRC DR 601 हैं, ये सेलिनिटी से टॉलरेंट होती हैं। 2009 में इसको निकाला गया था। NRC HB 101 ये लेट सोन वेराइटी है, इसको देरी से बुआई के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। 2008 में इसको निकाला गया था। उसके बाद बात करें तो DRMRIJ 31, इसको गिरिराज नाम से भी जाना जाता है, इसमें भी हाई ऑयल कंटेंट होता है और ये 2013 में निकाली गई थी। 2015 में निकाली गई DRMR 150-35 अर्ली मेचोरिटी वाली किस्म है ये। इसके अलावा बात करें 2018 में निकाली गई DRMR 1165-40, ये हीट यानी कि उच्च तापमान के प्रति टॉलरेंट क्रॉप हैं। इसके अलावा बात करें NRC Y 505-02, 2008 में निकाली गई, येलो सरसों के नाम से जाना जाता है, इसमें भी हाई ऑयल कंटेंट होता है। इसके अलावा कई और वेराइटीज भी हैं, जैसे कि RH 406 हैं, पूसा मस्टर्ड 30 हैं, RH 30 हैं, T59 है, RH 811-3 सौरभ हैं, RB 50 हैं, RB 8812 हैं जिसको लक्ष्मी नाम से जानते हैं, RH 781 हैं, RH 819 हैं। उसके अलावा RH 9304 जिसको वसुंधरा के नाम से जानते हैं, RH 9801 जिसको स्वर्ण ज्योति के नाम से जानते हैं, RH 406 हैं, RB 9901 है जिसको गीता के नाम से जानते हैं, YSH 0401 है जो 2008 में निकाली गई थी, बुरी सरसों हरियाणा 1 है, पूसा सरसों 26 हैं, पूसा सरसों 27 हैं, पूसा सरसों 25 हैं, पूसा तारक हैं, पूसा महक हैं, पूसा अग्रणी हैं,
पूसा विजय हैं, पूसा सरसों 22 हैं, 24 हैं, 21 हैं, पूसा करिश्मा हैं, पूसा आदित्य हैं, पूसा स्वर्णिम हैं, RH 725 हैं, CH 2800 हैं, PDZ 1 हैं, बायो 902 हैं, RH 101 हैं, RGN 48 हैं, जिसको बारानी किस्म भी बोला जाता है, कंपनी में उगाई जा सकती हैं। तो किसान भाइयों, ये कई सारी वेराइटीज़ हैं, किस्में हैं। इसके अलावा RVM 2 हैं, JM 3 हैं, और भी कई वेराइटीज़ हैं जो अलग अलग राज्य में अलग अलग यूनिवर्सिटीज निकालती रहती हैं। तो आप अपने जो क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय या कृषि कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ जाके आप एक सूटेबल वेराइटी है उसके बारे में पता करके उसको बुआई कर सकते हैं और अच्छी उपज दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।